हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका स्वागत है हमारे चैनल में। दोस्तों, आज मैं एक नोटिफिकेशन जारी हुआ है जिसके ऊपर मैं आपको भर्ती के बारे में बताने वाला हूं। जैसे कि दोस्तों, हर रोज़ एक नई भर्ती के बारे में शुरुआत करते हैं, इसी दौरान आज मैं एक और अच्छी भर्ती के बारे में आपके लिए नोटिफिकेशन लेके आया हूँ। तो दोस्तों, इसका नोटिफिकेशन जारी हो चुका है पर इसकी आवेदन प्रक्रिया अभी शुरू नहीं हुई है। तो दोस्तों, आपको पूरा नोटिफिकेशन देखना होगा, फिर बाद में आवेदन करेंगे। तो दोस्तों, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी कि लिमिटेड कंपनी में सेल विभाग के अंदर भर्ती निकली हुई है। अब आपको सेल के नाम से पता चल गया होगा कि किसके अकॉर्डिंग भर्ती होने वाली है। तो दोस्तों, अभ्यर्थियों के लिए बड़ी खुशखबरी है। तो आपके बता दें कि इसमें 10वीं 12वीं और ITI वाले अभ्यर्थी इसमें ज़रूर आवेदन करें, और प्लस में इसमें पैरामेडिकल वाले अभ्यर्थी जिनके पास नर्सिंग डिपार्टमेंट में, उनके लिए भी पोस्टें जारी हो चुकी है। तो दोस्तों, इसके ऊपर काफ़ी खुल के विचार करेंगे। उससे पहले बता दें, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन बटन को भी दबाएं। जैसे कि दोस्तों, आपको बता दें कि हर रोज़ एक नई भर्ती के साथ हम रोज़ एक शुरुआत करते हैं, इसी दौरान आज की जो अच्छा नोटिफिकेशन है जिसके बारे में काफ़ी अभ्यर्थियों को रिक्वायरमेंट होती है, उसी दौरान आज की जो भर्ती है उसके बारे में हम विचार करने वाले हैं। तो दोस्तों, नोटिफिकेशन काफ़ी बड़ा है। अगर आपको मैं इसके बारे में पूरी डिटेल बताने बैठूँगा तो काफ़ी समय लग जाएगा और आपके पास मैं इतना नहीं है कि आप पूरा नोटिफिकेशन देखने बैठेंगे। तो आपको मैं मोस्ट बातें बता दूं, योग्य बातें बता दूं जिसके लिए आवेदन करने के लिए आपको ये बातें ध्यान में रखनी होगी। तो दोस्तों, आवेदन प्रक्रिया 25/7/2019 से होने वाली है। जिससे पहले पोस्टों की डिटेल देख लें। जैसे पैरामेडिकल की बात करें तो इसमें आपको बता दें कि अलग अलग पोस्टें होगी, जिसे ये अलग अलग कैटेगरी के अलग अलग पोस्टें हैं जिसमें आपको बता दें ये डिमांड होगी। अब आपको बता दें, मेडिकल स्टाफ के अनुसार नर्सिंग टेक्निकल डिपार्टमेंट की बात करें जिसके लिए आपको ITI वाले अभ्यर्थियों की ज़रूरत होगी। तो दोस्तों, टेक्निकल डिपार्टमेंट लेबोरेटरी के अनुसार, जैसे नर्सिंग डिपार्टमेंट की बात करें, टोटल वैकेंसी 234 पोस्टें हैं। और इसी दौरान बात करें टेक्निकल डिपार्टमेंट की, टेक्निकल 1 और टेक्निकल 2 की बात करें, तो एक तो लेबोरेटरी और रेडियलर की बात करें तो दोस्तों, इसमें टेक्निकल डिपार्टमेंट की 30 और 15 पोस्टें होगी। आपको बता दें कि नर्सिंग डिपार्टमेंट की टोटल यानी कि 234 पोस्टें होगी। इसी दौरान SC कैटेगरी की और ST कैटेगरी की, इसमें SC की 37 पोस्टें होगी, ST की 52 पोस्टें होगी, यानी कि सबसे अधिक ST कैटेगरी की 52 पोस्टें होगी। OBC की 28 होगी। और आपको ये भी ध्यान देना होगा कि जनरल कैटेगरी वाले अभ्यर्थियों के लिए भी अच्छी पोस्ट है, 94 जनरल कैटेगरी वाले अभ्यर्थियों की पोस्ट होगी। अब टेक्निकल डिपार्टमेंट की बात करें तो दोस्तों, 30 पोस्टें हैं, SC की 5 पोस्टें हैं, ST की 7 पोस्टें हैं, ऐसे करके ये अलग अलग डिपार्टमेंट की पोस्टें हो जाएगी। तो दोस्तों, ये पूरी क्वालिफिकेशन अलग अलग टेक्निकल डिपार्टमेंट की है, तो जिनमें पोस्टें निर्धारित की गई है, जैसे कि 15, 14, 6 और 10 ऐसे कुल टोटल वैकेंसियां हैं जिनके अलग अलग कैटेगरियों पे अलग अलग भर्तियां होने वाली है। तो दोस्तों, ये था इसके पोस्टों का विवरण। अब आगे चलते हैं, इसके बारे में आगे देखते हैं क्वालिफिकेशन के बारे में क्या विवरण होगा। जैसे कि दोस्तों, इसमें एक्स सर्विसमैन भी आवेदन करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। पोस्टों की बात करें, जैसे पैरामेडिकल की बात करें तो दोस्तों, 18 से 30 वर्ष वाले अभ्यर्थी आवेदन करेंगे। जूनियर मैनेजर के 18 से 30 वाले अभ्यर्थी आवेदन करेंगे। क्वालिफिकेशन की बात करते हैं दोस्तों, इसमें 1 ईयर का नर्सिंग होना ज़रूरी है, 3 ईयर का मैक्सिमम, यानी कि आपको बता दें मैक्सिमम 3 ईयर्स की नर्सिंग क्वालिफिकेशन होना ज़रूरी है। दोस्तों, ये थी इन पोस्टों का विवरण। तो हम बात कर रहे थे इनकी मेडिकल ऑफिसर की भी बात करते हैं। दोस्तों, मेडिकल ऑफिसर में 1 ईयर का मैक्सिमम होना ज़रूरी है। जूनियर मैनेजर की बात करें तो 1 वर्ष का होना ज़रूरी है। अब इसी दौरान नर्सिंग की बात करें, नर्सिंग वाले अभ्यर्थियों की BSc से नर्सिंग हो या फिर 10वीं 12वीं हो या फिर आपके पास 3 ईयर्स का नर्सिंग कोर्स होना ज़रूरी है। हाँ, तो दोस्तों, हम बात कर रहे थे टेक्निकल वाले अभ्यर्थियों के लिए जिनके लिए ITI ज़रूरी है। तो दोस्तों, मैक्सिमम 2 ईयर्स का डिप्लोमा और होना ज़रूरी है टेक्निकल डिपार्टमेंट से, और मैक्सिमम आपके पास 50% नंबर होना ज़रूरी है। SC और ST कैटेगरी के लिए 40% होना ज़रूरी है। टेक्निकल सेकेंड की बात करते हो, 18 से 28 वर्ष आयु होगी, इंटर 12वीं 10वीं होगी, इसमें डिप्लोमा होना चाहिए मैक्सिमम 2 वर्ष का, जिसमें 1 ईयर का एक्सपीरियंस भी है तो आप आवेदन कर सकते हैं।
तो दोस्तों ये थी आईटीआई वाले अभ्यर्थियों की दो पोस्टें जिन पे आप आवेदन करेंगे। मैं एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ, टेक्निकल डिपार्टमेंट के लिए आप आवेदन करेंगे, स्पेशली आईटीआई वाले और डिप्लोमा वाले, बैचलर डिग्री वाले भी आवेदन कर सकते हैं इसमें, इंजीनियरिंग वाले अभ्यर्थी भी आवेदन कर सकते हैं, दसवीं पास वाले अभ्यर्थी भी आवेदन कर सकते हैं। तो दोस्तों इस भर्ती का इतना ध्यान रखें कि अगर आप आवेदन करना चाहते हैं अपने ट्रेड के अनुसार तो आप अपने ट्रेड के अनुसार भी आवेदन कर सकते हैं। अब बात कर रहे थे आईटीआई वाले अभ्यर्थियों के लिए, स्पेशली आईटीआई अभ्यर्थियों की इसमें आवेदन होंगे, जैसे कि फीडर्स वाले अभ्यर्थी, इसमें फीडर्स वाले अभ्यर्थियों के लिए पोस्टें हैं, इसमें 18 से 28 वर्ष की आयु मांगी गई है। आईटीआई वाले अभ्यर्थी इसमें आवेदन करेंगे जिसकी मैक्सिमम 2 ईयर्स का होना जरूरी है, तभी आप आवेदन कर पाएंगे। दोस्तों इसमें कोई क्वालिफिकेशन निर्धारित नहीं की गई, आपके पास जितने हैं उसी नंबर से आवेदन कर सकते हैं। अब आपको बता दें कि सैलरी बेस पे क्या होगा। दोस्तों सैलरी इसमें 32,000 से 58,000 तक आपकी सैलरी होगी, तो ये बात होगी इससे क्लियर। सेकंड पोस्ट की बात करें उसमें 26,000 से 46,000 तक सैलरी होगी, और इसी दौरान अलग अलग पोस्टों की अलग अलग सैलरी दे रखी है। अब आपको बता दें कि हाइट इसमें 150 सेंटीमीटर से फीमेल की होगी, 143 के आसपास। आपका वेट होना चाहिए 45 से 35 वर्ष केजी के आसपास। अब आपको ये ध्यान में रखना होगा कि आपकी आईज कितनी है, यानी आँखें का मेडिकल होगा जो कितना होगा, तो आपके 6.6 से हेल्थ आईज होनी जरूरी है। और पैरामेडिकल की बात करें दोस्तों, पैरामेडिकल में भी सेम यही प्रोसेसर होगा, बस वेट थोड़ा कम होगा। तो दोस्तों आज की ये इस भर्ती के बारे में पूरा विवरण देख सकते हैं। आपको बता दें कि 25 तारीख से आवेदन शुरू होने वाले हैं, 8 अगस्त तक ये आवेदन चलने वाले हैं, इससे पहले आप आवेदन कर सकते हैं। तो दोस्तों अप्लाई करने के लिए आपको इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे जाना होगा, फिर आवेदन करेंगे। और आवेदन करने के लिए आपको इतना ध्यान देना होगा कि ये पूरा प्रोसेसर ऑनलाइन होगा। ऑनलाइन आवेदन करने के बाद आप आवेदन करेंगे, फिर एग्जाम होगा, फिर एग्जाम के बाद आपके पास मेडिकल होगा, मेडिकल होने के बाद आपको ज्वाइनिंग दी जाएगी। तो दोस्तों स्टार्टिंग डेट 25/7/2019 है, यानी कि 25 तारीख से आवेदन शुरू हो जाएंगे और 20/8/2019 तक ये आवेदन चलेंगे। तो दोस्तों ये था इसके बारे में। अगर इसके आवेदन प्रक्रिया शुरू होते और आपको अप्लाई कैसे करेंगे वो भी मैं इस अगले वीडियो के अनुसार बताऊंगा। जब शुरू होगा तब इसके बारे में काफ़ी और विचार करेंगे, सिलेबस के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, फिर अगली बार एक और नए वीडियो के साथ शुरुआत करेंगे। जब तक आपको बता दें, अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ आप हमारे वीडियो को सब्सक्राइब करें और प्लीज़ दोस्तों लाइक जरूर करें। धन्यवाद दोस्तों, आप हमसे ऐसे ही जुड़े रहें, हम आपके लिए ढेर सारी भर्तियाँ लेके आएंगे, जब तक तैयारी करते रहें। थैंक यू दोस्तों।